हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू विद मी। तो कुछ दिन इतना हैबिट खराब हो गया कि देर से उठती हूँ तो 9:30 बज जाता है। तो ठंड भी बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए ये सारा प्रॉब्लम, मॉर्निंग पे उठने का मन ही नहीं करता है। तो आज उठी हूँ 7 बजे, प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा सा उठने का। 7 बजे बहुत ही ठंडी था आज, तो देखिए मेरा ठंड भी लगा है बहुत। और कुछ दिन स्कूल भी छुट्टी है, एग्ज़ाम होने के बाद छुट्टी था स्कूल, तो उसके वजह से बहुत दिन मैं और बेटा मिलकर लेट से उठी। तो आज से हैबिट थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो इसके लिए आज थोड़ा जल्दी से उठ गए थे। तो चलिए ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी आ गई हूँ छत पे कपड़ा डालने के लिए। मेरा शावल लेना हो गया है और अभी बज रहा है 11:30 बज गया है और अभी आ गई हूँ छत पे। तो मैं कुछ दिन से, 1 महीने से एक मेड रखी हूँ, क्योंकि अकेले से नहीं होता है। अभी बहुत दिन हो गया है अकेले अकेले काम करते करते मैं थक जाती हूँ, तो इसके लिए एक मेड रखी हूँ। तो वही जो कपड़ा है वो धो के देता है, जो बर्तन वगैरह है वो सब क्लीन करके देता है, और जो मॉफिंग है मॉफिंग भी कर लेता है। तो इसलिए मैं वो कपड़ा धो के चला गया, तो इसके लिए मैं भी इसको अच्छे से एकदम फ्री माइंड से दे रही हूँ अभी। तो कुछ दिन से बहुत अच्छा धूप निकल रहा है, तो देखिए ईमान भी मेरा हेल्प कर रहा है, जो कपड़ा है वो मुझे दे रहा है, तो वो भी देने का कोशिश कर रहा है। तो साल के ज़्यादातर समय ही हस्बैंड नहीं रहता है, वो है फौजी, तो इसके लिए उसको ड्यूटी पे रहना पड़ता है। तो ये अभी तो कुछ दिन से स्कूल बंद था, तो 2 तारीख से स्कूल खुल जाएगा, तो इसके बाद से बहुत सारा काम का प्रेशर भी आ जाएगा, जैसे स्कूल पे दे आना उसको ले आना। तो ये करते करते मेरा 2 से ऊपर बच जाता है, तो उसके बाद जितना भी समय बचता है आप लोगों के साथ मैं व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉगिंग शेयर करती हूँ। किसी किसी दिन बहुत ही ख़राब लगता है जब हस्बैंड नहीं रहता है, जब स्पेशल दिन आता है तो उस समय नहीं रहता है, तो वो बहुत मिस करती हूँ मैं हस्बैंड को। तो मिस तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं, और जब से बेटा आया है, बेटा का 8 साल हो गया है, तब से जब भी मन ख़राब होता है उसको देखती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा भी लग जाता है। तो इसके वजह से जो मन ख़राब है वो ज़्यादा देर नहीं रहता है, तो फिर भी अच्छा नहीं लगता है, यही है। तो इस मंथ का ग्रोसरी का आइटम आ गया है, तो बहुत दिन आगे मैं ऑर्डर कर देती हूँ, जो जो मुझे लगता है वो आ गया है आज। हेलो गाइस, तो आप सभी के लिए मैं एक डियर लेके आई हूँ जो एवर्टी ने कॉन्डक्ट किया है, जिसमें आप लोगों को पीरियड का एक पूरा दिन बिना मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट के बिताना है, जैसे पैड, कप्स, कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट आप लोग जो पीरियड में यूज करते हो वो आप लोग यूज किए बिना आप लोगों को रहना है। और इसमें आप लोगों को जो रेगुलर जो काम है वो आप लोग स्किप किए बिना आप लोगों को ये काम करना है। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक दिन मेरा पीरियड का जो दिन है वो दिन में मैं सैनिटरी पैड के बिना बिताऊं। तो आप लोग में से कोई है जो ये डेयर एक्सेप्ट करेगा? तो आप लोग में से कोई ये डेयर एक्सेप्ट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। हेलो एवरीवन, तो आज है 31 नाइट, तो हम लोग अभी जाएंगे केक लाने के लिए, और अभी थोड़ा बहुत मैं रेडी हो गई हूँ, केक लाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी मम्मी के घर, वहाँ से फिर से घर आऊंगी। तो चलिए तो देखिए आ गई हूँ मियो अमोरे पे, हमारे यहाँ पे मियो अमोरे का आउटलेट खुला है, तो इसके लिए आ गई हूँ यहाँ पे। तो मैं ढूंढ रही थी एगलेस केक, क्योंकि 31
उसके बाद सोमवार हो जाएगा, तो इसके लिए मैं भेज खाना खाती हूँ सोमवार को। तो इसके लिए मैं फुल जो केक है वो ढूंढ रही थी बट नहीं मिला, तो इसके लिए मैं लाई कट जो केक मिलता है वो। तो चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ क्या कुछ केक लाई। तो देखिए तो अभी बज रहा है 12:45, बज गया है 12:45 का ज़्यादा ही हो गया है, और हम लोग खाना खा के फिर से सो गए थे। तो अभी हम लोग ये छोटा छोटा सा केक जो है वो रात के टाइम लेके खा रहे हैं। तो उसके बीच में मैं जब बाहर गई थी तो मंदिर भी गई थी, तो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं बेटा और मैं आप लोगों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसा करके हम लोगों का जो दिन है वो बीता था, रात बीता था। तो बहुत समय हस्बैंड के बिना ही रह लेती हूँ, तो हस्बैंड तो नहीं रहता है, तो इसके लिए तो और एक 31 दिसंबर हम लोग हस्बैंड के बिना ही, देखिए अभी केक खा रहे हैं। तो केक के साथ साथ ये छोटा छोटा सा जो केक है ये तो और कटिंग करने का क्या ही है, तो इसके लिए कटिंग नहीं किया, ऐसे ही हम लोग खा रहे हैं। और अब मैं लिया था डोनट एक, और जो चॉकलेट डोनट है वो डोनट वो भी बहुत ही टेस्टी था। और ये देखिए जो सीड है, जो चेरी का सीड वो लेके कैसा कर रहा है, क्या पता क्या था, चेरी का सीड या किसका सीड था, तो चेरी ही लगा मुझे, चेरी दिया था। तो आज के लिए ये ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ, एंड फिर मिलती हूँ बहुत ही जल्दी दूसरा ब्लॉग के साथ। बाय बाय।